आज मैं आपको सबक नंबर एक की मशकें बताऊंगी। इससे पहले वाले वीडियो में मैंने आपको सबक नंबर एक में जो नज्म है वो पढ़ के सुनाई थी और उसकी तशरीह भी बताई थी। अब इसकी हम मशकें करेंगे। तो पहली मशक इसमें है, पढ़िए और समझिए। सबसे पहले है वाली यानी के मालिक, उसके बाद है जहान, जहान के माने होते हैं दुनिया, दाता, दाता कहते हैं देने वाला, सखी या फिर खुदा, बख्शना यानी देना, जग यानी के दुनिया। अब इसकी अगली मश देखते हैं, सबक नंबर एक के सवाल और जवाब। चलिए इनको करते हैं। पहला सवाल इसमें है, दुनिया के बाग का मालिक किसे कहा गया है? जवाब है, दुनिया के बाग का माली खुदा को कहा गया है। सवाल नंबर दो है, खुदा को किस चीज़ का मालिक कहा गया है? जवाब है, खुदा को दुनिया और जहां का मालिक कहा गया है। सवाल नंबर तीन है, दाता किसे कहा गया है? जवाब है, दाता खुदा को कहा गया है। सवाल नंबर चार है, हमें किस काम की आदत डालनी चाहिए? जवाब है, हमें मेहनत करने की आदत डालनी चाहिए। अब इसकी अगली मश्क की तरफ बढ़ते हैं। अगली मश्क है, नीचे दिए हुए लफ्जों के हुरूफ अलग अलग लिखिए। यहाँ कुछ अल्फाज दिए गए हैं जिनके हुरूफ हमें अलग अलग करके इन खानों में लिखने हैं। सबसे पहले है इसमें दुआ, इसमें तीन हर्फ आ रहे हैं, दाल, ऐन और अलिफ। नंबर दो है जिस्म, इसमें भी तीन हर्फ हैं, जीम, सीन और मीम। नंबर तीन पे है माली, इसमें चार हर्फ आ रहे हैं, मीम, अलिफ, लाम और छोटी ये। नंबर चार में है जहान, इसमें भी चार हर्फ हैं, जीम, गोल है, अलिफ और नून। नंबर पाँच है रोशन, इसमें भी चार हर्फ हैं, रे, वाव, शीन और नून। अब इसकी अगली मश देखते हैं। अगली मश में है, हुरूफ को मिलाकर लफ्ज बनाइए। अब यहाँ पर उल्टा है, यहाँ पर आपको हुरूफ अलग करके दिए गए हैं, उनको मिलाकर आपको लफ्ज बनानी है। जैसे कि इसमें पहले में है बे, अलिफ और गैन, इसको मिलाकर बनता है बाग। उसके बाद है जीम, अलिफ और नून, इसे मिलाकर बनता है जान। नंबर तीन में है मीम, अलिफ, लाम और काफ, इसे मिला के बनता है मालिक। नंबर चार है मीम, हे, नून, ते, इससे बनता है मेहनत। नंबर पाँच है दाल, नून, छोटी ये और अलिफ, इसे मिला के बनता है दुनिया। अब इसकी अगली मश देखते हैं। अगली मश में है, खाली जगहों में मुनासिब लफ्ज लिखिए। यहाँ पर खाली जगह दी गई है, उनके ऊपर कुछ अल्फाज दिए गए हैं जो कि हमको खाली जगहों में लिखने हैं। मैंने वो अल्फाज यहाँ पर खाली जगहों में लाल रंग के पेन से लिखे हैं ताकि आपको आसानी से अंदाज़ा हो जाए कि कौन सी खाली जगह में कौन सा लफ्ज आएगा। चलिए मैं आपको ये पढ़ के सुना देती हूँ। पहले इसमें है आदत, जहान, बंदों, दाता और हिम्मत। नंबर एक है, ए अपने बंदों के वाली। नंबर दो में दुनिया और जहां के मालिक। नंबर तीन है, तुझ सा दाता कोई नहीं है। नंबर चार है, बख्श हमें मेहनत की आदत। नंबर पाँच में हिम्मत, दे कुछ काम करें हम। अब अगली मश देखते हैं। हिस्सा अलिफ और बे के सही जोड़ मिलाइए। यहाँ पर अलिफ के नीचे भी कुछ अल्फाज दिए गए हैं और बे के नीचे भी, उनको आपस में मिलाकर उनका सही जोड़ बनाना है। पहला इसमें दिया गया है फूल सा नाजुक, उसके बाद है रेशम सा नरम, उसके बाद है पत्थर सा सख्त, उसके बाद है आग सा गरम
और आखिर में है बर्फ सा ठंडा।